देखते ही मुंह में पानी आ गया ना। यस, तो ये मैंने ले लिए हैं कच्चे आम, इनको अच्छे से धो लूँगी और यहाँ मैं प्रेशर कुक करूँगी और हम आज बनाएंगे आम पन्ना। यम्मी। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो आज मैं निकल गई हूँ अपनी मीटिंग के लिए। मेरी एक मीटिंग है, करीब 2-2.5 घंटे चलेगी, उसके बाद मैं घर वापस आऊँगी और इफ्तारी की कुछ तैयारी करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके साथ शेयर करेंगे। सो चलिए अब मैं मीटिंग ख़त्म कर लूँ, फिर मैं आपसे। हो गई मेरी मीटिंग, मैं आ गई हूँ घर वापस, चेंज वेंज कर लिया है मैंने और जनाब यहाँ बैठे हुए हैं। आज आप मेरे वीडियो में पीछे से सिंगर हो। सो बस अभी किसी के हुए हैं 22 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट। और सॉरी, कब तुम्हारे मैं कर रहा हूँ, यौन भी कर रहा हूँ। लो देखो, तो आज इनके लिए कुछ स्पेशल बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा स्पेशल? जो आप खा पाओ। क्या? जो आप मुंह मीठा कर पाओ। नहीं कुछ नहीं। हाँ कुछ क्या? है कुछ क्या? है जो खा पाओगे। और अम्मी तो आपके लिए आपका फेवरेट चिकन बना ही रही है और हम बनाएंगे कुछ मीठा जिससे इनकी डाइट भी ना टूटे और ये खा भी लें अच्छे से। बनाना काफ़ी कुछ है, मैं काफ़ी कुछ तैयारी करके गई थी लेकिन टाइम बहुत कम है। एक्चुअली आज मुझे मीटिंग में लेट हो गया, मैंने सोचा था मैं 4 बजे वाइंड अप कर दूंगी लेकिन वो डिस्कशन लंबा चलता चला गया, तो इसीलिए मैंने वाइंड अप किया अराउंड 5:15 बजे, तो मैं बहुत लेट हो गई हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं बना रही हूँ आम पन्ना। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 5 मैंगोज जो कैरी होती है उसको बॉईल कर लिया, इट वाज 1 kg, पानी डाल के 2 विसल, उसके बाद करीब 10 मिनट स्लो फ्लेम पे रखा है। अब इसे सबसे पहले स्ट्रेन कर लेंगे, अब इसे हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसका जो सारा पल्प है वो हम अलग कर लेंगे। सो गाइज, आप सबको पता है कि मुझे कुकिंग का कितना शौक है, तो मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ नई नई डिशेज सीखने की और जो डिशेज मुझे ऑलरेडी आती हैं उनको किसी नए ट्विस्ट के साथ बनाने की। और इसी चीज के लिए मेरी तरह आप सब लोग यूज कर सकते हैं स्किल शेयर की क्लासेस को। यस, टू लर्न न्यू डिशेज एंड टू परफेक्ट द वंस दैट यू ऑलरेडी नो। सो हियर मैं स्किल शेयर को एक्सप्लोर कर रही हूँ एंड यहाँ पे हर टॉपिक, मतलब थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स पे क्लासेस हैं, जैसे कि गार्डनिंग है, DIY डेकोर है, ओके वीडियो एडिटिंग भी है, देन देयर इज प्रोडक्टिविटी, मार्केटिंग, कुकिंग तो है ही एंड देयर इज अ लॉट मोर। स्किलशेयर एक ऐसी ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहाँ पे ये सारी क्लासेस आर क्यूरेटेड बाय इंडस्ट्री लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स ऑफ दैट फील्ड। आप एक हॉबीस्ट हो या एक प्रो, स्किलशेयर इज द प्लेस टू गो, इट ऑफर्स मेंबरशिप विद मीनिंग। आप सबको पता है कि मुझे नई नई चीज़ें क्रिएट करना कितना ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे कुकिंग के साथ साथ मैंने DIY की क्लासेस भी एक्सप्लोर की। सो यहाँ लेदर क्राफ्टिंग में मुझे एक क्लास मिली है, हाउ टू मेक अ लेदर शोल्डर टोट बैग एट होम, वाओ, इट्स बाय ओक एंड जिल्डाउ। सो मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं घर पे ये लेदर टोट बैग कैसे बना सकती हूँ। इन्होंने बहुत सिंपल स्टेप्स में ना स्टार्ट टू एंड तक ये बताया है कि आप कैसे एक लेदर टोट बैग अपने लिए घर पे बना सकते हो। आई एम लविंग दिस क्लास एंड मैं डेफिनेटली अपने लिए बनाने की कोशिश करूंगी। स्किलशेयर पर इंडियन क्रिएटर्स लाइक अलीसिया सूजेस इलस्ट्रेशन क्लास, एकता चौधरीज गार्डनिंग क्लास भी हैं। ऑल दीज क्लासेस आर एड फ्री, विच मीन्स यू कैन लर्न विदाउट गेटिंग इंटरप्टेड एंड लूजिंग फोकस। सो गाइस, स्किलशेयर आपको एम्पावर करता है फॉर रियल ग्रोथ एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, आपको इनकी एंटायर लाइब्रेरी का एक्सेस मिलता है एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। स्किलशेयर का एनुअल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट इज लेस देन 1800 रुपीज, विच मीन्स लेस देन 150 रुपीज पर मंथ। मतलब आई एम श्योर अगर ये टोट बैग हम मार्केट से लेने जाएंगे ना तो इससे कहीं ज्यादा टोट बैग का कॉस्ट होगा। So I have a custom link in the description just for my viewers. First 1000 viewers to go and click on the link will get a 1 month free trial. So go and explore your creative journey. So चल दिए तैयारी, जनाब आ गए हैं, जनाब के लिए हलवा बन रहा है जो जनाब कवर कर रहे हैं। और मैं आज तैयारी करके गई थी एक्चुअली 2 चीजों की, एक आम पन्ना बनाने की और एक पोटैटो लॉलीपॉप्स बनाने की, लेकिन आम पन्ना मुझे लगता है इफ्तार तक तो रेडी नहीं हो पाएगा। हाँ रात तक मैं बना के पिला दूंगी तो वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम इसकी प्रेपरेशन करते हैं। ये है 4 मीडियम साइज के आलू जो मैंने बॉईल करके छील के रख लिए हैं। अब इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स ऐड करके इसको भून के थोड़ी देर फ्रिज में रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए
तो ये बन गया जवार और गुड़ का हलवा। ये कैसे बना ये आपने शोएब के ब्लॉग में देखा होगा या देख लेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इसे हम प्रेजेंट कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसे सेट करने के लिए गरम गरम में ही हम इसे ऐसे किसी भी कटोरे में डाल देंगे और फिर इसी तरह से निकालेंगे। अब इसको हम रख देते हैं इस होप के साथ कि जब हम इसको पलटेंगे तो ये ऐसा निकलेगा, अगर नहीं निकला तो हम इसी पे कुछ कर देंगे। और अभी जल्दी से रख देते हैं हम दोनों की चाय और साइड बाय साइड बनाते हैं ये पोटैटो लॉलीपॉप। सो ये जैसे कि मैंने आपको बताया है चार मीडियम साइज के पोटैटोस जो मैंने बॉईल कर लिए थे, इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे पहले। तो ये अच्छे से मैश हो गया है, इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये करीब 1.5 टीस्पून है, और रेड चिली पाउडर अराउंड 1.5 टीस्पून, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। फिर इसमें डालेंगे सॉल्ट, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ब्रेड क्रम्स ये मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप, यानी कि 1/2 मेजरिंग कप, और ये ब्रेड क्रम्स आपको बाद में भी जरूरत पड़ेंगे जब आप इन्हें फ्राई कर रहे हैं। सो ये इसमें डाल दिया। इसमें और एडेड फ्लेवर के लिए मैं डालूंगी ओरिगैनो सीजनिंग, मैंने 4 पाउचेस डाले मतलब 2 टीस्पून, और इस सब को एकदम अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। सो जब हम इसे मिक्स कर रहे होंगे ना, ये जो भी बड़े बड़े चंक्स हैं इन सबको भी हम अच्छे से मैश कर देंगे, क्योंकि वरना वो मुंह में आते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। सो मिक्स मैश थोड़े अच्छे से थोड़े लंबे समय के लिए। सो ये अच्छे से जो है मिक्स हो गया है, अब हम इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्रिज में डाल देंगे ताकि और अच्छा सेट हो जाए। तब तक जो स्लरी हमें रेडी करना है जिसमें हम इसे डिप करेंगे और फिर हम ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे वो रेडी कर देते हैं। मैंने ले लिया है कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स, इसमें हम सबसे पहले चिली फ्लेक्स एंड ओरिगैनो फ्लेक्स मिक्स करेंगे। अगेन 1/2 कप ब्रेड क्रम्स में मैंने 2 पाउच चिली फ्लेक्स यानी कि 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ओरिगैनो फ्लेक्स डाले हैं। ओके, सो अब एक बोल में हम लेंगे 2 टेबलस्पून मैदा एंड साथ ही साथ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, इतना कि वो सिर्फ एक थिक कंसिस्टेंसी जैसा हो, क्योंकि हमें इसमें डिप करके फिर फ्राई करना है। तो पहले 4 से 5 टेबलस्पून डालिएगा और फिर उसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा। इतना पानी शुड बी मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये निकाल लिया मैंने फ्रिज से, बस इसे फ्राई करने से पहले मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया फाइनली चॉप्ड, आप चाहे तो इसमें कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं लेकिन बहुत छोटा छोटा काट के डालिएगा, आप चाहे तो इसमें चीज भी थोड़ी सी ग्रेट करके डाल सकते हैं लेकिन मुझे वो सब अवॉइड करना है इसलिए मैं सिर्फ हरा धनिया डाल दूंगी। तो ये देखिए अब आपको इस तरह से ये राउंड बॉल्स में रोल कर लेना है। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको किस साइज का अपना पोटैटो लॉलीपॉप चाहिए। चलिए तो हमारा ऑयल भी हो गया अच्छे से गरम, अभी सबसे पहले हम इसे अपने कॉर्नफ्लावर वाले स्लरी में डिप करेंगे, इसके बाद आप इसे डालेंगे ब्रेड क्रम्स में। एंड देन वी विल जस्ट डीप फ्राई।
ये बहुत जल्दी जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, सो इट्स बेटर अगर आप ज्यादा कोट करके प्लेट में रेडी कर लें और फिर एक साथ फ्राई करें ताकि जो ऑयल की हीट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। अब टाइम हो गया है, नॉट बैड, आई मैनेज टू एटलीस्ट मेक वन थिंग, तो तब तक हम देखते हैं अपना जवार का जो केक है वो कितना रेडी हुआ। नहीं, ये तो अलग अलग गिर रहा है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? देखो, हमारा केक निकलने से इनकार कर रहा है, वैसे ऐसा फ्लॉप होगा ये मुझे पूरा यकीन था, तो हम कुछ और करते हैं। हाँ जी, तो वो तो कटोरी से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा, तो मैं इस पेपर पे ये एक मैसेज लिख के उसके ऊपर डाल देती हूँ, है ना। टूथपिक पे ये पेपर मैंने चिपका दिया और इस पर मैंने लिखा है, मुबारक हो 22 लाख यूट्यूब फैमिली, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल द लव हम सब के लिए, थैंक यू। मैं से 5 मिनट में एकदम लेट हो गई हूँ, मैं जहाँ जहाँ भाग रही हूँ अभिषेक कैमरा ऑन करके पीछे पीछे भाग रहा है। कोई बात नहीं, जल्दबाजी में होता है, पर हमने कर लिया जो हम चाहते थे, एटी से एक चीज़ तो रेडी हो गई और हमारा जवार का जैसा तैसा हलवा केक भी रेडी हो गया। एंड फिर इसे सर्व करने से पहले लॉलीपॉप जैसा इसे फिनिशिंग देने के लिए इस तरह से एक एक टूथपिक आप इसमें डाल दीजिएगा एंड फिर सर्व कीजिएगा। गर्म था इसे मुझे चटके भी लग रहे थे पर जल्दी भी थी। ओके, नॉट बैड। सो हमारे पोटैटो लॉलीपॉप एंड जवार हलवा इज रेडी। अम्मी, मैंने सोचा शोएब केक तो खाएंगे नहीं, तो मैं ये जवार का हलवा गुड़ डाल के बना के लाई और उस पर मैंने चिट्ठी लगा दी। उनके 22 लाख सब्सक्राइबर्स हुआ इस पे, है ना, यूट्यूब पे। अच्छा, वो 22 लाख। हाँ, और ये आप चख के बताना, ये जो बच्चे लॉलीपॉप नहीं खाते हैं वो है, लेकिन ये आलू का है। गरम ना हो, अच्छा, सही, बहुत अच्छा है। खा खा ये चटपटा, सही है, फ्लेवर है। हाँ, उसमें वो ऑरिगैनो फ्लेक्स डाले हैं, तो वो उस टाइप का फ्लेवर है। सो हो गई है रात, रात के शायद 10 बज रहे हैं लगभग। मैंने खाना वाना खा लिया, अम्मी ने चिकन बनाया था, बहुत यम्मी बना था, मैंने वो जवार की रोटी के साथ खाया और सबको वो पोटैटो लॉलीपॉप बहुत अच्छे लगे और सबको जवार का हलवा भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे शोएब के ब्लॉग में उन्होंने डिटेल में हर स्टेप लिया है, पर अगर आप प्रपोर्शन नहीं है तो अगर आपको जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो मैं ज़रूर उसकी रेसिपी शेयर करूंगी, बिकॉज इट्स अ वेरी हेल्दी वेरियंट ऑफ हलवा। मतलब उसमें सिर्फ गुड़ है, घी है एंड क्या कहते हैं, जवार का आटा है। सो अभी मैं आज चीटिंग कर रही हूँ, मैं पता है क्या चीटिंग कर रही हूँ, एक और चाय। नॉर्मली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक चाय सहरी में और एक चाय इफ्तार में लूँ, बस दैट्स इट, उसके बाद और चाय ना पीऊँ, पर आज बहुत मन कर रहा था तो मैंने सोचा एक चाय पी लेती हूँ, इतना तो चलेगा ना, क्या बोलते हो आप, पी सकती हो ना। फिर आगे मतलब रोज़ आदत नहीं डालूंगी, पर एक दिन, एक रात ऐसे मन कर गया, है ना। सो अभी मैं बैठी हूँ अपने ये अमेजिंग से कॉर्नर में जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे बैठना मुझे बहुत सुकून मिलता है। वैसे आपने शोएब के ब्लॉग में देखा है पर मेरे ब्लॉग में नहीं देखा है, ये है हमारा कॉर्नर, नाइस। सो आज जो फ्लॉप हुआ वो था आम पन्ना, वो बेचारा ठंडा हमने रखा, वो रखा ही हुआ है, वो ठंडा ही हो रहा है द पल। तो कोई बात नहीं, कल बताऊंगी, क्योंकि कल या परसों इंशाल्लाह जब भी बनाऊंगी तब मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूंगी। फिलहाल मैं यहाँ बैठी हूँ, थोड़ा सा आराम कर रही हूँ, आराम से चाय पीऊंगी। उसके बाद मेरे कुछ सूट्स बन के आए हैं, इस बार ना मैंने कॉटन जो अपना वो जयपुरी जोधपुरी प्रिंट होता है ना, जैसे ब्लॉक प्रिंट टाइप, मैंने वो फैब्रिक्स लिए हैं
और उनके मैंने शरारा और शॉर्ट कुर्ते बनवाए हैं काफ़ी सारे स्पेशली रमज़ानों के लिए, तो वो बन के आ गए हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनको देखने के लिए। तो मैं वो देखूंगी और मैं आपको दिखाऊँ कि डायरेक्ट पहनूँ कि दिखा दूँ, क्या बोलते हो आप? तब तक अगर आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, मतलब हड़बड़ी हड़बड़ी इतनी हो गई थी आज, पर ऐसा होता है ना, मैं आज प्लानिंग करके गई थी कि मैं मुझे आज वो पोटैटो लॉलीपॉप बनाना था और आज ही मीटिंग एक्सटेंड हो गई और आज ही हड़बड़ी हो गई, तो बेचारा आम पन्ना जो है वो रह गया, कोई बात नहीं। सो बट ऐसा हमेशा होता है, आपके साथ भी होता होगा, ये जल्दबाजी किसी ना किसी दिन होती ही है। बट जो भी बना वो बहुत टेस्टी बना, दैट वॉज गुड, एंड कुछ ख़राब नहीं हुआ, तो इस बात की मुझे ज़्यादा खुशी है। सो चलिए अभी मैं अपनी चाय इन्जॉय करती हूँ और आपसे जल्दी मिलती हूँ। शायद मैं चाय पी के अंदर जाऊँ और अपने कपड़े देखूँ तो वहीं से दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, आई डोंट नो। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी बनी थी, बहुत अलग सा फ्लेवर था, बहुत अच्छा था। ऐसा अम्मी और सबा कह रहे थे, मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं अपनी डाइट नहीं तोड़ूंगी, इस बार मैं बहुत सीरियस हूँ क्योंकि मुझे अंदर से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लाइट फील हो रहा है। सो अगर आपको आप जब रेसिपी ट्राई करेंगे आपके घर पे सबको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बस आलू बॉईल करने का जो टाइम जाएगा वो, बाकी सब बहुत फटाफट हो जाता है। एंड ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा। एंड अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ रहिएगा। लव यू।